दोस्तों हम सभी को पता है कि अभी जो अमेरिका में चुनाव हो रहा है और कहने का वहाँ पर रिपब्लिक के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं वह है जो बिडन। तो यहाँ पर बात सामने निकल कर यह आ रही है कि आखिर भारत किसका साथ दे रहा है, रिपब्लिक के उम्मीदवार का या फिर डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार का, डोनाल्ड ट्रंप का या फिर बिडेन का। यानी भारत सरकार और भारत के तमाम लोग जो है ये अमेरिका में कौन सा राष्ट्रपति चाहते हैं, क्या भारत के लोग जो है डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार जो बिडेन को चाहते हैं या फिर यहां पर रिपब्लिक के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को चाहते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर जो है डोनाल्ड ट्रंप के बेटे यानी कि जूनियर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत जो है यहां पर जो बिडेन को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं जब उन्होंने यह ट्वीट किया तो पूरे देश में हम लोग का देश के तमाम लोग जो है यहां पर मोदी सरकार को घेरने में लग गए कि नरेंद्र मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो ने बड़े बड़े रैलियां किए अमेरिका में, हाउ टू मोदी किए, इंडिया में जो है नमस्ते ट्रंप किया, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला और उसका बेटे यानी कि जूनियर ट्रंप ने जो है भारत को ऐसा कहा है कि भारत जो है पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार जो बिडेन का समर्थन कर रहा है। तो आप भी इस ट्वीट को देख सकते हैं कि यहां पर जूनियर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है जिसमें आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जो लाल रंग घेर देख रहे हैं इसमें बता रहा है जूनियर डोनाल्ड ट्रंप की पूरा दुनिया जो है लाल रंग में जितना घेरा हुआ है वह जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं और जो नीला रंग का है वह जो है जो बिडेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो है वह कश्मीर को जो है पाकिस्तान का हिस्सा भी बता दिया है। जी हां दोस्तों, इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो नीला रंग में देख रहे हैं और पाकिस्तान पूरा लाल रंग में है और कहने के इंडिया नीले रंग में है। और कहने के डोनाल्ड ट्रंप के बेटे यानी कि जूनियर डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है इसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं जबकि इंडिया और चाइना और भी कुछ ऐसे देश हैं जो यहां पर जो जॉब बिडेन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बात यह नहीं है क्योंकि यहां पर भारत सरकार ने ऐसा कहा है कि अमेरिका में जो भी नया राष्ट्रपति बनेंगे, जो भी चुनाव जीतेंगे, भारत उसका समर्थन करेगा। भारत सरकार का यह कहना है क्योंकि भारत सरकार जो डायरेक्टली किसी भी पार्टी को किसी भी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर सकता है, उन्होंने कहा है कि जो भी सरकार वहां पर बनेगी भारत सरकार उसका सपोर्ट करेगा। लेकिन बात यह नहीं है, बात यहां पर यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे यानी कि जूनियर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया है और कहीं ना कहीं भारत के नक्शे से जो है कश्मीर को गायब कर दिया है। और कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं यहां पर जो रेड रंग में कलर में आप देख रहे हैं तो कश्मीर को जो है पाकिस्तान के हिस्से में मिला दिया गया है। यानी जो है डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सोचते हैं कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हिस्सा है। तो अब बात यह है और कहीं ना कहीं भारत के तमाम लोग जो है हमारी सरकार से नरेंद्र मोदी से यह पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर हाउडी मोदी हो जाए या फिर नमस्ते ट्रंप कर रहे थे तो इसका नतीजा क्या निकला। यहां पर जूनियर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं बताया बल्कि यहां पर पूरी तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया है। और कहने का जब उन्होंने यह ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने जब यह ट्वीट किया तो भारत में जो घमासान मच गई, कांग्रेस हो जाए या फिर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं यहां पर जो है बीजेपी को घेरने में लग गए, नरेंद्र मोदी को घेरने में लग गए और कहने के उसके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं। तो यहां पर दोस्तों बात यह है कि आखिर जो जिस प्रकार से अभी अमेरिका में चुनाव हो रहा है तो वहां पर कौन सा पार्टी जीतेगी या फिर कौन सा पार्टी अगर जीते तो पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो सकता है, कौन से नेता को दो लोग ज्यादा चाहते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर दोनों ही नेता अच्छा है लेकिन बहुत सारे देश जो है डोनाल्ड ट्रंप को फिर से सत्ता में आने के लिए बोलते हैं या फिर चाहते हैं कि वो दोबारा से सत्ता में आए। और खास करके बहुत सारे लोग ऐसा भी चाहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव ना जीते बल्कि वहां पर जो जॉब बिडेन चुनाव जीते और कहने का डेमोक्रेटिक का सरकार बने। लेकिन अभी जिस प्रकार से वहां पर चुनाव हो रही है तो कुछ दिन में नतीजा आ जाएंगे। लेकिन बात यहां पर जो सबसे बड़ी यह है कि यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे यानी कि जूनियर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को कश्मीर का हिस्सा बता दिया जबकि भारत से कश्मीर के नक्शे को गायब कर दिया है। तो यह एक सोचने वाली बात है कि आखिर हमारे देश के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अमेरिका से जो हमारा रिश्ता भर चुका है, अमेरिका से हमारा रिश्ता पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है, लेकिन यहां पर एक अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे एक बहुत ही बड़े पद पर हैं और कहने के उन्होंने कहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, पूरी तरीके से नक्शे से गायब ही कर दिया है। तो आप भी देख सकते हैं, तो यह एक बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन यहां पर भारत सरकार ने ऐसा कहा है कि वह किसी भी पार्टी का डायरेक्टली समर्थन नहीं कर सकता लेकिन अमेरिका में जिस भी पार्टी की सरकार
बनेगी। अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनेगा चुनाव जीतने के बाद उसका समर्थन 100% करेगा और कहना कहें उससे अच्छी खासी दोस्ती भी करेगी, उससे अच्छा खासा रिलेशन भी बनेगा। तो दोस्तों आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के बेटे यानी कि जूनियर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बताया है, यानी कि कश्मीर को जो है भारत के नक्शे से गायब कर दिया है, तो इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की थिंकिंग क्या है, मुझे इस वीडियो के कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम।